नमस्कार आदाब, मैं अनूप सोनी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। सुखी इंसान से संतुष्ट परिवार, संतुष्ट परिवार से एक सुरक्षित समाज और सुरक्षित समाज से एक खूबसूरत दुनिया बनती है। लेकिन जिन रिश्तों पर विश्वास करके इंसान सुखी होता है, अगर वही रिश्ते गले का फंदा बन जाए तो? इस केस में एक हंसते खेलते परिवार की खून भरी दास्तां से नासिक और उसके आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई और जब सच सामने आया तब सब हैरान रहे। हेलो डियर रीडर, मैं रत्ना। 3 दिन के लंबे इंटरवल के बाद आज ब्लॉग लिखने का टाइम मिला। क्या करें, 16 साल 7 महीने और 3 दिन हो गए मेरी प्रमोशन को। मैं एक असिस्टेंट बैंक मैनेजर से फुल टाइम होम मेकर यानी गृहिणी बनी। ऑफिस का पहला प्रोजेक्ट याद रही ना रहे, पर घर के सारे प्रोजेक्ट अच्छे से याद रहते हैं। मेरा पहला प्रोजेक्ट अब 16 साल का हो गया है, शेली नाम है उसका। मॉम, आपकी कॉफी। थैंक यू। पहले आई बोल। आई। और मेरा दूसरा प्रोजेक्ट 6 साल का हो गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है संजू। मम्मा, मेरा स्कूल बैग कहाँ है? लाइफ की भागदौड़ में अपनी बात आप तक पहुंचा कर मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैडम, मेजरमेंट के लाए। आप कौन और मास्टर जी क्यों नहीं आए? मास्टर जी का तबीयत खराब है और मैं इनका भतीजा हूँ। आइए अंदर आइए। ये साड़ी रखी है, ये तो इसकी फॉल बिडिंग भी करनी है और जो इसमें ब्लाउज पीस है उसे शैली के लिए ब्लाउज सिलना है। मास्टर जी, आप मेजरमेंट लीजिए। ब्रीद आउट, ब्रीद इन करिए ना। क्या बदतमीजी चल रही है? निकल जाए यहां से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल यहां से। मॉम, मेरे पास ना आपके लिए एक सरप्राइज है। सी, देखो तो, ऑनलाइन ना डिस्काउंट चल रहा था इसलिए मैंने बाय किया। कल रात ही डिलीवर हुआ है। आप ये पहन के बहुत अच्छे लगोगे। प्लीज 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 एक बार। हाय बेबी। हाय। किसी को पता तो नहीं चला तुम मुझसे मिलने आ रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैंने डाउट नहीं होने दिया किसी को। हाँ। नो फोन कॉल्स। अबे। यस। वैसे एक बात तो, ऐसे चोरी चोरी प्यार करने का ना मजा ही कुछ और है। कब तक हम इस तरह से वेट करते रहेंगे? बस चुप चुप करके मिलते रहेंगे। वैसे बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा। वैसे हस्बैंड ऑफिस गए और बच्चे भी बाहर हैं, तो क्या ही रहता है। मैम आप यहाँ? और संजू क्या हुआ? मैम, स्कूल से कब से कॉल किया जा रहा है आपको, आप कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। वो एक्सट्रीमली सॉरी मैम, लेकिन क्या हुआ? आपके संजू को बहुत तेज फीवर आया है और स्कूल के डॉक्टर छुट्टी पर हैं। हमने सोचा अगर आप इसे अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर। संजू
क्या हुआ? सुबह तक तो ठीक था, फिर अचानक से क्या हुआ? पापा। क्या हुआ बेटा, वॉमिटिंग हुई क्या? इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, मैं बस चेंज करके आता हूँ। देखिए घबराने की कोई बात नहीं, मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, वो आप दे दीजिएगा, और अभी एक इंजेक्शन दे देता हूँ। विजय का फोन आ रहा है। ठीक है आप देखिए। हाँ विजय। नहीं नहीं नहीं, मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा आज, संजू की तबीयत खराब है। चल बाय। क्या हुआ, अर्जेंट है तो चले जाइए ना। संजू की तबीयत खराब है, कैसे जा सकता हूँ मैं? तो वो यहाँ पर कौन सा अकेला है, मैं हूँ ना उसके पास। और वैसे भी मेरे रहते हुए ना आपको घर गृहस्थी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आई एम सो प्राउड कि मुझे तुम जैसी वाइफ नहीं गर्लफ्रेंड मिली। Yes. इधर ये देखो सर। ऐशाने क्या ये रिकॉर्ड क्या तू? हाँ भी डिलीट करता उसका। कर डिलीट, कोई फायदा नहीं, उसे देख रहा दोस्त है मेरी, उसके पास भी इस वीडियो की कॉपी है। 15,000 लगेंगे। तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, डिलीट करो। पूरे पैसे दे तभी डिलीट करो। ए तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं, समझा? ज्यादा खुश है ये, अपलोड कर दे तू। ओए रुक रुक रुक। अरे यार इतने में क्या होगा भाई, ये चिंदी तो समझ के रखा, रख लो तुम्हारे पास नई चेयर, तो अपलोड कर दे यार नई चेयर। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको मेरी बात सुनो, अभी तुम इतना रखो, बाकी पैसे हम कल दे देंगे। कल 11 बजे बाहर में, अगर कोई होशियारी की ना तो तुम दोनों को सोशल मीडिया पर स्टार होने से कोई रोक नहीं सकता। कल कल दे देंगे पैसे। देखा तो दरवाजा खुला था, अंदर आई तो ये सब। महेंद्र सर, घर में किसी भी चीज की चोरी नहीं हुई है सर, क्योंकि अलमारी लॉकर सब सेफ है। साहब लेकिन वैनी के जेवर गायब हो गए। इनके अलावा घर में और कौन कौन रहता है? शैली मैडम। लेकिन साहब शैली मैडम कहाँ है? सर कमरा कहाँ है? सर ऊपर है। यही शैली है? जी हाँ साहिब। चेक करो रूम। सर शैली का मोबाइल है? हाँ यही मैडम का ही लॉक है। ताज्जुब की बात है, आजकल के बच्चे खाना खाना भूल जाते हैं लेकिन मोबाइल साथ में लेकर जाना नहीं भूलते। इसका मतलब शैली अपनी मर्जी से यहाँ से गई है या कोई जबरदस्ती उठाकर लेकर गया है? फोन को साइबर टीम में भेज दो। महेंद्र शैली की फोटो खींचो, हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो, और पेट्रोलिंग टीम को भी अलर्ट कर देना, और शैली के बारे में और इन्फॉर्मेशन इनसे ले लेना। राजदीप मेरे साथ आओ। सर अभिषेक, आस पड़ोस में इस फैमिली के बारे में पूछताछ करो। सर
बड़ा अजीब केस देखा है। ये सर वो साइको किलर होगा जो खून करने के बाद अपने किए का जश्न मना कर गया है। काम करो, या जितने भी ब्लड सैंपल्स है सब जमा करो और लैब में भेज दो। इनके अलावा अगर कोई और ब्लड मिलता है तो वो कातिल का ब्लड होगा। सर सर ये कुछ बताना चाहती हूँ। बोलिए। वो सर कल सुबह ना क्या बदतमीजी चल रही है। निकल जाए यहाँ से। सोडनार ना मैं तुम्हारा। निकल यहाँ से। तूने किया ना ये सब? हाँ तू कल शैली को घूर रहा था जिसकी वजह से उसकी माँ ने तुझे मार के बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। खरा है सब, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। तेरे जैसे घटिया लोग ही ऐसा काम कर सकते हैं। सच सच बता दे, वरना जिस गंदी नजर से शैली को देख रहा था ना वही तेरी आंखें निकाल कर हाथ में दे दूंगा। चल बता शैली को कहाँ छुपा कर रखा है। सच में साहब मैंने किसी को नहीं, कुछ भी नहीं किया साहब मैंने। तू ऐसे नहीं बोलेगा राजदीप, इसे बेहोश होने तक मारना, फिर होश में लाओ और फिर मार। जी डॉक्टर साहब, पेशेंट की हालत कैसी है? सर पेशेंट की हालत बहुत ही क्रिटिकल है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। सुख और शांति से जीना हर इंसान हर परिवार का सपना होता है, और बिल्कुल ऐसा ही जीवन जी रहे रत्ना के परिवार पर टूटे कहर ने आसपास के सभी लोगों के दिल दहला दिए। रत्ना, अमर और शैली की लाइफ की परतें खुलने लगी और आम जनता के साथ साथ पुलिस भी हैरान हो गई। सर रत्ना के घर पे जो मोबाइल्स मिले थे वो अनलॉक हो गए। शैली के मोबाइल पे किसी रवि और जिग्नेश के मैसेजेस आए। मैसेज में ऐसा लिखा है कि अपनी माँ को कहो किसी के सामने मुंह ना खोले वरना। बात करो दोनों से। सर दोनों के मोबाइल कंटिन्यूअसली स्विच ऑफ है, कॉल रिकॉर्ड्स निकालने के लिए कह दिया है। एक और बात सर, कल रात रत्ना बार बार शैली को फोन कर रही थी, लगता है कोई टेंशन चल रहा था। शैली ने फोन नहीं उठाई तो रत्ना ने शैली की फ्रेंड कविता को फोन किया। कविता? सर शैली अपने माँ से कल झूठ बोलकर हमारे सीनियर से मिलने गई थी। अच्छा मॉम, मैं कविता के यहाँ जा रही हूँ, मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करना है, मैं रात को आ जाऊँ। तब उसने घर पर झूठ कहा था कि वो मेरे घर पढ़ाई के लिए आ रही है, पर जब रात को उसका मोबाइल नहीं लग रहा था तब रत्ना आंटी ने मुझे कॉल किया। फिर मुझे उन्हें सब सच बताना पड़ा कि शैली जिग्नेश और रवि के साथ पार्टी कर रही है। फिर मुझे रत्ना आंटी को जिग्नेश के रूम पे लेके जाना पड़ा। क्या चल रहा है यहाँ पर ये सब? क्या कर रहे थे तुम मेरी बेटी के साथ? दोबारा ये हरकत तुम लोग किसी भी लड़की के साथ न कर सको, इसलिए तुम्हारी इस करतूत के बारे में ना मैं सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं कंप्लेन करूंगी, उसकी कंप्लेन मैं तुम लोगों के कॉलेज में करूंगी और पुलिस में करूंगी। चल चल। ये जिग्नेश और रवि, इन दोनों के मोबाइल सर्वेलेंस पर डाल दो और उनके माँ बाप से बात करो। अगर वो कुछ नहीं बताते तो उनके मोबाइल भी सर्वेलेंस पर डाल दो और उनके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दोनों पे नजर रख। इन दोनों के फोटोज हर जगह पे सर्कुलेट कर। जब तक तेरी आई जिंदा है तेरा कभी गलत नहीं हो सकता। ये विजय है अमर के बिजनेस पार्टनर। बस अब बता सकते कि अमर की किसी के साथ दुश्मनी थी, लड़ाई झगड़ा, या अमर को किसी ने धमकी दी थी? जी हाँ सर, एक्चुअली मैं वही बताने आपको आया हूँ कि कल रात। देखिए लियाकत जी, आप ये ठीक बात नहीं कर रहे हैं, ठीक से बात कर। क्या कर लेगा रे तू? क्या कर लेगा लियाकत? चुप रहे तो क्या करेगा तू? काम बंद करेगा ना? चल काम बंद करके निकल। तुझे क्या लगता है तू अकेला ही है?
ये टाइल्स और मार्बल्स का सप्लायर? हमारा 11 लाख रुपए पहले क्लियर करिए, उसके बाद आपको जिससे काम करवाना आप करवा सकते हैं। लियाकत जी ठीक नहीं है। तेरे को ठोकू क्या? तुम्हारा पैसे मांगने के लिए आया ना तू? तेरे साथ साथ तेरी बीवी और बच्चों समेत सबको उड़ा दूंगा, समझा क्या तू? मैं बोल रहा हूं ना तेरे को, लियाकत अली। हां सर, चला चलो इसको। लाइसेंस है साहब, हमारे धंधे में इसकी जरूरत पड़ती है। खामोखाम आप लोग मुझे इस केस में घसीट रहे हो। सैलाब में भेजो, जिस दिन मेरे हाथ में सबूत लग जाएंगे ना, तेरी शराफत की धज्जियां उड़ा दूंगा। लियाकत अली, हमारे परमिशन के बगैर शहर छोड़कर जाने के बारे में सोचना भी मत। अमर को होश आ गया? नहीं सर, अभी बेहोश है सर, डॉक्टर उसे रिवाइव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, रत्ना और अमर के मोबाइल में किसी योगेश ने धमकी भरे मैसेजेस भेजे थे। योगेश कौन है? पता लगा लिया सर? योगेश आपका बेटा है? नहीं नहीं सर, हमारा बेटा नहीं, ये पिछले जन्म में हमने बहुत बड़ा कुछ पाप किया होगा, तो उसका बदला लेने के लिए इस जन्म में हमारे घर में पैदा हुआ। योगेश इस वक्त कहाँ है? मालूम नहीं सर, ये बीच में एक बार उसका कोई रात को दोस्त आया था, रात भर उन्होंने दारू पी, सुबह उठ के चला गया। दोस्त के साथ वो गया था, आप जानते हैं उसे? क्या उसकी शक्ल याद है? नहीं सर, मुझे डोयर मोटी बिंदु है, स्पष्ट दिशक नहीं। योगेश के बारे में अगर कुछ पता चलता है तो सबसे पहले आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। जी सर। रत्ना मर्डर केस में योगेश प्राइम सस्पेक्ट, योगेश का मिलना बहुत ज़रूरी है। योगेश इस दोस्त के साथ गया था, अगर वो हमारे हाथ लग जाता है तो योगेश भी हाथ लग जाएगा। इस एरिया में जितने भी सीसीटीवीज है सबके फुटेज चेक करो, किसी न किसी फुटेज में ये दोनों जरूर दिखाई देंगे। योगेश का कॉल रिकॉर्ड आ गया। 3 महीने पहले तक उसका मोबाइल बिल्कुल एक्टिव था, फिर अचानक बंद हो गया, फिर 4 दिन बाद 2 मिनट के लिए फ़ोन ऑन होता है, अमर को मैसेजेस भेजे जाते हैं, फिर स्विच ऑफ हो जाते हैं, फिर 8 दिन बाद फिर से 2-3 मिनट के लिए फ़ोन ऑन होता है, इस बार रत्ना को धमकी भरे मैसेजेस भेजे जाते हैं, फिर फ़ोन ऑफ हो जाता है। सर ये सिलसिला पिछले 3 महीने से चल रहा है। सर योगेश के घर के सामने जो बैंक है उसका CCTV फुटेज आ गया सर, चेक करो। यही वो आदमी जिसके साथ योगेश 3 महीने पहले कहीं चला गया था। इस आदमी के जरिए हम योगेश तक पहुंच सकते हैं। पता करो ये आदमी है कौन और कहां रहता है। हेलो पुलिस सर, AB रोड पे एक टेम्पो में लाश मिली है सर, वो लाश हमारे वहां दर्ज मिसिंग कंप्लेंट की फोटो के साथ मैच होती है। एक बात और सर, वो टेम्पो जिस मित्तल ट्रेडर के वहाँ से लोड हुआ था वो भी हमारे ही ज्यूरिडिक्शन में आता है। ठीक है राजी सर, केस का चार्ज ले लो और जिन लोगों ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की थी उनको बुलाकर बॉडी की शिनाख्त करवा दो। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, पर तहकीकात तो हमें करनी ही पड़ेगी। समीर ने आपको कभी बताया था कि उसे कोई धमकी दे रहा है या उसका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। हमें समीर के सामान की तलाशी लेनी होगी, शायद वहां से हमें कुछ क्लू मिल जाए। जी।
ये हार्ड डिस्क और लैपटॉप समीर का है, जिसमें बहुत सारे आपत्तिजनक वीडियोस हैं। ये समीर के पास कहाँ से है? मला माहित नहीं साहब। समीर के दोस्त कौन है? कौन से कॉलेज में पढ़ता है? ये पास है के जोशी कॉलेज में। जोशी कॉलेज? सर उसी कॉलेज में तो शैली भी पढ़ती थी। समीर की कोई गर्लफ्रेंड है? ते पन माहित नहीं, पर सीमा के साथ दोस्ती थी उसकी, वो उसके साथ ही घूमता था। ये सीमा रहती कहाँ है? आइए सर, ये सीमा का रूम है सर। तलाशी लो। सर सर, सीमा यहाँ कितने सालों से रेंट पे रह रही? सर 2 साल से रह रही है। उसका परमानेंट एड्रेस है? जी सर है। सर ये कैश मिला है सर, लैपटॉप मिला है, चेक करो। आप बाहर रुकिए, वीडियोस में समीर के लैपटॉप से भी हमें ऑलमोस्ट सेम वीडियोस मिले थे। मतलब समीर और सीमा मिलके सबको ब्लैकमेल कर रहे थे, और हो सकता है इस ब्लैकमेलिंग के चक्कर में समीर का मर्डर हुआ हो और सीमा की जान को खतरा हो सकता है। इन वीडियोस में जितने भी लोग दिख रहे हैं सबको आइडेंटिफाई करो, सीमा की फोटो हर जगह सर्कुलेट कर दो और सीमा के माँ बाप को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करो। सर सर, हमने मित्तल ट्रेडर्स में जाके डिटेल में पूछताछ की, ना किसी ने मर्डर होते हुए देखा और ना डेड बॉडी को टेम्पो में डालते हुए देखा किसी ने। सर मैंने कुछ रिसिप्ट के पिक्चर्स भी खींचे, मैं दिखाता हूँ। ये दी सर, ये सारे रिसिप्ट मैंने खुद चेक किए हैं, ऑल क्लियर है, कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिख रहा है सर। समीर और सीमा के पास जो वीडियोस मिले थे उसमें से लास्ट वाला वीडियो प्ले करो। पॉज करो। ये आदमी कौन है? हाँ हाँ, माल पहुंचने वाला होगा, देखिए। अच्छा भी फोन करता हूँ थोड़ी देर में आपको। जी ये जो लड़का पीछे खड़ा है ये कौन है? अरे ये तो मेरा छोटा बेटा सूरज है। सूरज? जी। समीर को क्यों मारा? और सीमा कहाँ है? सर मैंने समीर को नहीं मारा सर, और मुझे नहीं पता कि सीमा किधर है। समीर के लैपटॉप में तुम्हारे एक MMS मिला है, वो औरत कौन है? कौन है सर? सर सर वो मेरी दोस्त है कंचन। कंचन जी सीमा कहाँ है? सर मुझे नहीं मालूम है। सूरज तुम्हारे पिताजी के दुकान में लोड हुए टेम्पो में समीर की लाश मिली है। समीर को क्यों मारा, कहाँ मारा और कैसे मारा? सर सर हम सच कह रहे हैं, हमने समीर को नहीं मारा सर, हमने तो उसे पूरे पैसे भी दे दिए थे वीडियो डिलीट करने के। ठीक है अभिषेक, प्रीति जब तक ये लोग सीमा का पता नहीं बताते इनकी अच्छे से खातिरदारी करना। सर हम सच बोल रहे हैं, कुछ नहीं मालूम। सर सर मालूम है साहब, मेरी बीबी कब छोड़ देंगे आप? अभी पूछताछ चल रही है। लेकिन उसका कसूर क्या है? अब सुन नहीं पाएंगे साहब, बताइए ना। आपके बीवी का उसके दोस्त के साथ MMS मिला है, और जिन लोगों ने ये बनाया था एक का मर्डर हुआ है और दूसरी गायब है। सुन लिया आपने, अब जाइए। सर खबरी से पता चला है कि रत्ना की सुपारी निकली थी सर, फिर ये भी सुनने में आया कि सुपारी वापस हो गई। रत्ना की सुपारी? और वो तो एक हाउस वाइफ है, उसकी सुपारी कौन देगा और क्यों देगा? रत्ना पहला सस्पेक्ट योगेश, जिग्नेश और रवि, इन दोनों का रत्ना के साथ ड्रग्स को लेकर झगड़ा था। तीसरा लियाकत, लियाकत ने रत्ना और अमर को जान से मारने की धमकी दी थी। चौथा अमर, अमर अमर तो रत्ना का पति है और वो खुद जख्मी है लेकिन जिंदा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि रत्ना और संजू को मारने के बाद अमर ने अपने आप को जख्मी करके बाथरूम में बंद कर लिया हो। लेकिन सर घर पे हमें कोई खून से सना हुआ हथियार नहीं मिला, और उसका खुद का सिचुएशन भी बहुत क्रिटिकल है। अजूब की बात तो यही है, अब इस समीर मर्डर केस में शैली, सीमा और समीर ये तीनों क्लासमेट है। क्या रत्ना और समीर इन दोनों का मर्डर केस एक दूसरे से जुड़े हुए है? तीन हत्याएं, एक गंभीर रूप से जख्मी और एक अगवा, अखबार की सुर्खियों और टीवी की ब्रेकिंग न्यूज पर छाए इस केस की गुत्थियां दिन ब दिन उलझती जा रही थी। पुलिस को उस एक तिनके की तलाश थी जिसके सहारे वो गवाहों और सबूतों के साथ कातिल को पकड़ पाए, और आखिरकार पुलिस को ऐसा एक तिनका, एक सुराग मिल गया। सर
योगेश जी दोस्त के साथ गायब हुआ था वो देव है। योगेश के कॉलर से पता चला कि 3 महीना पहले उसका फ़ोन बंद हुआ था और जिस एरिया में बंद हुआ था उस एरिया में सिर्फ एक ही फार्म हाउस है जो देव का है और उसके बाद उसका फ़ोन कभी कभार ऑन ऑफ होता रहा। क्या आप योगेश को जानते हैं? जी कॉलेज में हम लोग क्लासमेट थे। 3 महीने पहले योगेश आपके साथ उसके घर से निकला था फिर इसी एरिया में आकर उसका फ़ोन हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो गया था फिर रेयरली ऑन हुआ, ऐसा क्यों? हाँ याद आया, हुआ यूँ था सर कि वो ऐसे ही तफरी करने आया था, उसकी मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी। अब मेरा और उसका मोबाइल सेम तो था नहीं कि वो मेरा चार्जर यूज़ कर पाता, फिर उसके बाद वो उसी दिन वहाँ से चला गया। वैसे भी योगेश को मोबाइल की इतनी परवाह नहीं थी, बड़ा अजीब बंदा है। उसके बाद उसने मुझे कोई कांटेक्ट नहीं किया, एक आध बार मैंने ही उसका नंबर डायल किया था पर मोबाइल स्विच ऑफ था। योगेश के फादर का कहना है कि वो मवाली या टपोरी टाइप का था, वैसे उसका अमर के साथ किस बात का झगड़ा था? ये बहुत पुरानी कहानी है सर, एक्चुअली कॉलेज में योगेश को रत्ना से प्यार हो गया पर योगेश की गुंडागर्दी मारपीट के चलते रत्ना उसे कैसे चाहती, रत्ना को अमर अच्छा लगा और उससे प्यार हो गया और बाद में शादी कर ली। यही बात योगेश को बहुत बुरी लगी, तभी से वो जिल्टेड लवर बन गया। सोचा नहीं था कि कॉलेज की दुश्मनी अभी तक चलेगी और रत्ना का वो मर्डर कर देगा और अमर पर भी जानलेवा हमला करेगा। योगेश अगर आपको कांटेक्ट करता है या उसके बारे में आपको कुछ भी पता चलता है तो सबसे पहले आप हमें इन्फॉर्म करें। जी सर। थैंक यू। हेलो, हाँ ओके सर, जिग्नेश के पिताजी ने इगतपुर के एक लॉज में 40,000 रुपये ट्रांसफर किए हैं। प्रशांत गाड़ी घुमाओ। जिग्नेश और रवि शैली कहाँ है? पता नहीं सर। मुझे तो पता होगा ना? नहीं सर मुझे नहीं पता है। नहीं पता? ले चलो दोनों को। सर 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 बात तो सुनिए सर, रत्ना का मर्डर हमने नहीं किया सर। सर मैं खरे संग तो है, मर्डर का न्यूज सुनकर हम दोनों वहां से भाग गए थे। सर हमें लगा हमारे मैसेजेस देख के आपको डाउट होगा इसके लिए। सर हमने अपने पेरेंट्स से बात की थी, उन्होंने ही हमें ये लॉज में छिपवाया था। और शैली को कहाँ छिपाया? सर शैली को हमने नहीं छिपाया सर। राजदीप सर ये लोग तो मुझे कुछ बता ही नहीं रहे। सर तुम्हें कुछ बता दे, सर अपने तरीके से इन्हें पूछ लेना। सर सर मान दोस्त आए थे। सर कल हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए थे एक पेशी के लिए, वहाँ विजयनगर और संभाजीनगर पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल्स कह रहे थे कि उनके एरिया में एक सिमिलर केस हुआ है जहाँ एक हत्यारे ने महिला के साथ रेप किया, हत्या की, शरीर के सारे गहने चुराए, आराम से खाना पीना खत्म किया और निकल गया। ये दोनों केसेस की फाइल मंगा लो और ये दोनों केसेस में जो हस्बैंड है उनको भी बुलाओ सर। केस जल्द से जल्द क्रैक करना होगा। राइट सर। तो फिर रत्ना को किसने मारा और इसको किसने मारा? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इस बॉडी के डीएनए इसके फैमिली के साथ मैच करके देखो। सर इससे पहले इस जमीन का मालिक कौन था? देव देसाई। देव साहब अजीब इत्तफाक है, 3 महीने पहले योगेश गायब होता है, आखिरी बार आपके साथ था, फिर योगेश का फोन बंद होता है आप ही के यहाँ पर, अब योगेश की लाश मिल गई वो भी ऐसी जमीन पर जिस पर आपका कब्जा था। अब तो बताइए योगेश को क्यों मारा? मैंने योगेश को नहीं मारा। राजदीप घर की तलाशी लो। सर आप बिना वारंट के अंदर नहीं जा सकते। ये वारंट चलेगा या इनसे भी वारंट दिलाओ। सर सर मेरी बात सुनिए। सर मेरा यकीन कीजिए कुछ नहीं है सर, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस कमरे में क्या है? सर ऐसे ही कोई पुराना सामान रखा हुआ। चाबी दीजिए उसे। सर वो खो गई है। महेंद्र हथौड़ा ले गया। सर मेरा यकीन कीजिए कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तोड़ दे उसे। सर कुछ नहीं है सर। शैली खोलो इसे। ये यहाँ क्या कर रही है? सर इसने मेरी मां और भाई को मार दिया और फिर मुझे यहाँ ले आया। सर हॉस्पिटल लेके जाओ। सर उसे गलत फहमी हुई है, मैंने रत्ना और संजू को नहीं मारा। इतनी रात तो अमर के घर पे क्या करने गया था? सर इन सब के पीछे अमर का ही हाथ है।
अमर ने ही मुझे रत्ना को मारने के लिए कहा था। उस रात जब मैं उसके घर पहुंचा तो मैं शैली को मार नहीं सकता था क्योंकि वो मेरे दोस्त अमर की बेटी है। फिर मैंने सोचा कि जब पुलिस असली हथियारे को पकड़ेगी या अमर को होश में आने के बाद ये बताएगा कि असली कातिल मैं नहीं कोई और है, तब मैं शैली को छोड़ दूँ। और अगर अमर को होश नहीं आता और असली कातिल पकड़ा नहीं जाता तो शैली के साथ क्या करता? जिंदगी भर यही रखता उसे? सर, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि इतनी दूर की बात मैं सोच ही नहीं पाया। ये अमर रत्ना को क्यों मारना चाहता था? सर, सारा का सारा बिजनेस रत्ना के नाम पर था जो काफी नुकसान में चल रहा था। और योगेश, उसे क्यों मारा था? सर, इसके पीछे भी अमर की साजिश है। सर, एक साल से प्लानिंग चल रही थी। योगेश कॉलेज के टाइम से जिल्टेड लवर था। प्लान ये था कि सबसे पहले योगेश को मार डालेंगे, फिर उसके मोबाइल से अमर और रत्ना के मोबाइल पे धमकी भरे मैसेजेस करेंगे, उसके बाद रत्ना को मारकर सारा ब्लेम योगेश पे डालेंगे। लेकिन मैंने रत्ना और संजू को नहीं मारा। ले चलो इसे। सर, सर मेरी बात सुनिए। आइए सर, संभाजी नगर और विजयनगर दोनों केसेस के हस्बैंड। बस आप ये फोटोज ध्यान से देखिए, आप इनमें से किसी को जानते हैं? नहीं सर। नहीं सर। आपकी पत्नी की 4 महीने पहले हत्या हुई थी ना? जी साहब। क्या हुआ? साहब, हम नए नए नासिक शहर में आए थे, मैं कुछ काम से घर से बाहर गया, वापस आकर देखा तो मेरी बीवी की हत्या हो चुकी थी साहब। जिस दिन मर्डर हुआ था उसके पहले क्या हुआ? गोदावरी में नहाने के लिए गए थे तो बच्चे को बुखार आया, तो यहीं डॉक्टर जय के क्लिनिक में लेकर गए थे उसका इलाज के लिए, और उसी रात मेरी बीवी और मेरे बेटे की हत्या हुई थी सर। आपकी बीवी की 1.5 महीने पहले हत्या हुई थी ना? जी सर। क्या हुआ? आप अपने बेटे का इलाज कराने डॉक्टर जय के क्लिनिक गए? जी साहब। और आप भी डॉक्टर जय के क्लिनिक गए? यस सर। तीनों केसेस में मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल सेम है। अब तो ये डॉक्टर जय ही हमें बताएगा इन तीनों मर्डर से उसका क्या कनेक्शन है। डॉक्टर साहब, पिछले कुछ दिनों से शहर में अजीब सिलसिला शुरू है। संध्या अपने बच्चे के साथ आपके क्लिनिक में आती है, उसी रात संध्या के साथ रेप होता है और उसका मर्डर हो जाता है। फिर पूनम अपने बच्चे के साथ आपके क्लिनिक में आती है, उसी रात पूनम के साथ भी उसका रेप होता है, उसका मर्डर हो जाता है। तीनों केसेस में मोडस ऑपरेंडी सेम है। कातिल पहले रेप करता है, फिर मर्डर, फिर उसी घर में शराब पीता है, खाना खाता है और चला जाता है। और हमने सुना है आपको भी खाने पीने का बहुत शौक है। देखिए सर, मैं एक डॉक्टर हूँ, कोई कातिल नहीं। लोगों को बचाना मेरा काम है, उनको मारना नहीं। रत्ना का मर्डर जिस दिन हुआ था उस रात आप कहाँ थे? सर, मैं कॉन्फ्रेंस में था। आपके क्लिनिक में और कौन कौन काम करता है? एक कंपाउंडर और एक नर्स। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा आए। इन्वेस्टिगेशन में हर दिन एक नया मोड़ आ रहा था, जांच का दायरा बढ़ता जा रहा था। संदिग्ध बहुत सारे थे लेकिन पुख्ता सबूतों के साथ हत्यारा नहीं मिल रहा था। और फिर पुलिस ने ऐसा पासा फेंका कि हत्यारा जाल में फंस गया। चेक यहां कंपाउंडर हो ना? साहब, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूं, मैं सीधी सादी जिंदगी चाहता था। मैं जब काम करके घर जाता था तो चाहता था कि मेरी बीबी मुझसे दो मीठे बोल बोले, प्यार मोहब्बत से बात करे। मेरी गलत लड़की शादी हो गई थी साहब, जीना हराम हो गया था। वो चाहती थी कि उसका पति दिन रात मेहनत करके उसके हाथ में पैसे दे। तुम्हारी तनख्वाही कितनी है जो तुम मुझे दोगे उसमें से भी काट कर? पिछले महीने भी तो दिया था तुमको, कुछ बचे हुए? हाँ तो पिछले महीने क्या, कितना दे दिया था? अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो तुमसे शादी हुई मेरी। हाँ तो कमाते हो अच्छा, ना शक्ल अच्छी है, नहीं रहना है मुझे तुम्हारे साथ। उसको मेरा चेहरा, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा कपड़ा, मेरा विचार कुछ भी नहीं पसंद आता था। क्लिनिक में जब भी मैं किसी औरत को देखता कि वो अपने पति को प्यार से उसका ख्याल रख रही है तो मुझे जलन होने लगती थी। मैं उसको पाने के लिए बेचैन हो जाता, इसलिए केस पेपर से उसका एड्रेस लेके मैं उसके घर पहुंच जाता था।
सोनिया और पूनम से मैंने खूब मजा लिया, लेकिन अमर को मारने का प्लान नहीं था, लेकिन उसने मुझे देख लिया था तो क्या करता साहब? ये पेंडेंट तो हमने सीमा के गले में देखा था, हमने उसके फोटो में देखा था। जी सर। एक मिनट, समीर और सीमा तुम्हारे बीवी को ब्लैकमेल कर रहे थे, समीर का मर्डर हो गया और सीमा गायब है, इन सब के पीछे तू ही तो नहीं है? बोल साहब। मेरी बीवी कंचन और उसका यार सूरज दोनों को फोन पे बात करते हुए सुना था कि सीमा और समीर उसका वीडियो बना के उसको पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैंने सोचा अगर समीर कुमार के सीमा को मैं अगवा कर लेता हूँ तो ब्लेम कंचन पे जाएगा और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। अधूरे सपने अच्छे इंसान को फिर से संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन अगर उसका दिमाग, उसका मन ईर्ष्या से ग्रसित हो जाए तो वो उसे गुनाह के रास्ते पर ले जाते हैं। भागीरथ के साथ यही हुआ था। सुशील संस्कारी और पति से प्रेम करने वाली पत्नी ना मिलने से वो इतना डिस्टर्ब हो गया था कि उसने अपने संपर्क में आने वाली सुशील और संस्कारी महिलाओं को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। अगर भागीरथ अपने मन में उठ रही नफरत और जलन के तूफान से सतर्क होता, चुभने वाले रिश्ते से सही समय पर मुक्ति पाता, तो वो सीरियल किलर नहीं बनता। भागीरथ, समीर, सीमा और देव को अपने गुनाहों की सजा मिली और अमर ने भी अपने किए का मोल चुकाया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।